हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, प्रागपुरा थाना पुलिस ने 23 जुलाई को ग्राम लाडा का बास में करीब एक दर्जन व्यक्ति दो वाहनों में सवार होकर तोड़फोड़ मारपीट करते हुए फायरिंग की घटना को अंजाम देकर एक बालिका का अपहरण कर ले गए थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल SP कोटपुतली रामकुमार कसवा, सकिल ऑफिसर दिनेश यादव एवं कोटपुतली थाना प्रभारी दिलीप शेखावत एवं प्रागपुरा थाना प्रभारी शिव शंकर चतुर्वेदी के नेतृत्व में एक विशेष टीम को गठित कर पुलिस में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रागपुरा थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल SP रामकुमार कसवा ने बताया कि आरोपी अमर सिंह, लोकेश और चेतराम थाना बानसूर जिला अलवर के रहने वाले हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम शातिर किस्म के अपराधी हैं और मोहर सिंह गैंग के सदस्य हैं, जिनके खिलाफ पूर्व में भी अन्य जिलों में हत्या, डकैती, मारपीट और चोरी के मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। 23 जुलाई की शाम को 4-5 बजे की घटना है। लाडा के पास गांव में करीब दो दर्जन लोग गाड़ियों में भर के आए और घर में घुस के मारपीट की और फायरिंग की भी घटना हुई और एक छोटी बच्ची, नाबालिग 3 साल की बच्ची को अपहरण करके ले गए थे। जिस टाइम ये घटना हुई उसके बाद से पुलिस ने एक टीम के रूप में कार्य किया और सबसे पहले उस बच्ची को जिंदा बरामद करना ज़्यादा ज़रूरी था। उसके लिए टीम ने शुरू के जो 17-18 घंटे थे उसमें पूरी टीम ने SHO कोटपुतली दिलीप और CO साहब कोटपुतली दिनेश यादव के नेतृत्व में, यहाँ के SHO शिव शंकर और पूरी इनकी जो टीम थी, सब ने इतनी मेहनत की और बच्ची को 18 घंटे में बरामद किया। और अगर उसको बरामद नहीं किया जाता तो ये बहुत बड़ी गैंग थी, मोहर सिंह गैंग, जिसने अपनी सुपारी लेकर ये कांड किया था, तो निश्चित रूप से उस बच्ची के साथ कोई भी घटना कर सकते थे। पुलिस ने बड़ी तत्परता और बड़ी शालीनता से इसमें काम किया, सबको अपने विश्वास में लेके बच्ची को बरामद किया। उसके बाद से इसमें जो मुलजिम है उनके गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे थे और आज हमने इसी मामले में 3 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं जो कि मोहर सिंह गैंग के लोग हैं और इनके खिलाफ पूर्व में भी बानसूर और मकराना नागौर में मुकदमे दर्ज है। इसमें एक मुलजिम है अमर सिंह।